देश का बच्चा बच्चा भी कहता था कि रोहित सर की न्यूज देखेंगे। कभी कभी कार्टून में वो व्यस्त हो जाता था, कभी कभी टीवी पर कार्टून लगातार देखता रहता था। लेकिन अगर चैनल बदल दिया जाता था, उसके परिवार के लोग, उसके अभिभावक, उसके माता और पिता चैनल बदलते थे और रोहित सर अगर दिखाई दे गए तो फिर वो बच्चा कार्टून को छोड़कर रोहित सर की न्यूज से जुड़ जाया करता था। उनके कहने का ऐसा अंदाज था। भारतीय पत्रकारिता जगत का एक दहाड़ता हुआ शेर हमेशा हमेशा के लिए सो गया, हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। जो कभी राष्ट्रवादी मुद्दों पर दहाड़ता था तो बड़े बड़े की बोलती बंद हो जाया करती थी, बड़े बड़े शांत हो जाया करते थे, उसके सामने बोल नहीं पाते थे। राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर वो हमेशा प्रखर रहे, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर वो हमेशा निखर रहे और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर वो हमेशा बोलते रहे। रोहित सर बेबाकी से अपनी बात को हर समय न्यूज रूम में रखते रहे। कभी कभी जब फील्ड में आए, कभी कभी जब उन्हें जरूरत पड़ी बाहर निकल कर आए और कहानी और तथ्यों के माध्यम से उन्होंने ऐसा लोगों को बांधा, ऐसा दर्शकों को बांधा कि उनसे कोई दूर नहीं हो पाता था, उनसे कोई हट नहीं पाता था। पत्रकारिता जगत में तमाम ऐसे पत्रकार हुए जिनका नाम रोशन है, जो अलग अलग तरह से जाने जाएंगे, जिनकी लेखनी, जिनकी कलम बोलेगी, लेकिन रोहित सर हमेशा हमेशा के लिए पत्रकारिता जगत में राष्ट्रवादी पत्रकार के रूप में वो हमेशा हमेशा जाने जाएंगे। देश का बच्चा बच्चा भी कहता था कि रोहित सर की न्यूज देखेंगे। कभी कभी कार्टून में वो व्यस्त हो जाता था, कभी कभी टीवी पर कार्टून लगातार देखता रहता था। लेकिन अगर चैनल बदल दिया जाता था, उसके परिवार के लोग, उसके अभिभावक, उसके माता और पिता चैनल बदलते थे और रोहित सर अगर दिखाई दे गए तो फिर वो बच्चा कार्टून को छोड़कर रोहित सर की न्यूज से जुड़ जाया करता था। उनके कहने का ऐसा अंदाज था। पत्रकारिता जगत में राष्ट्रीय पत्रकार के जाने से हर तरफ शोक है, हर तरफ शोक की लहर है और हर कोई आंखों में आंसू लेकर ये कह रहा है कि बस विश्वास नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है कि रोहित सर आप हमारे बीच में नहीं है।